की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें और सांसद की बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया है। उस बयान में अब लगातार वो सरगर्मियां पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवा हिंदुओं मुस्लिम्स का है, यह साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो है कल संसद भवन के बाहर जब संबोधित कर रहे थे और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा गाय हिंदू की है और बैल मुस्लिम का है और इस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। हरा रंग मुस्लिम का और जिस तरह से वो राजनीति करते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से पठान मूवी पर ये सवाल उठाए गए हैं, पठान मूवी की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने देखा कि बेशरम सॉन्ग जो जिस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है और भगवा कलर जो इस समय तमाम भाजपा की तरफ से इस पर कई बार सारे सवाल भी उठाए और देश में हमने देखा कि किस तरह से जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला, जम्मू के अंदर भी इसका जोरदार पूर्ण जोर जो है विरोध हुआ। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि देश के अंदर तोड़ने की राजनीति की जा रही है, मगर यहां पर उन्होंने ये एक संदेश जरूर दिया कि आपसी भाईचारा जो है बना रहना चाहिए। मगर पठान मूवी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवा रंग को लेकर जो है वो राजनीति की जा रही है। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल गए हैं कि जिस तरह से भगवा रंग तो दीपिका पादुकोण ने तो पहना, मगर सवाल यहां पर ये है कि उस सॉन्ग में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बेशरम कहा जा रहा है और ये मानसिकता देख सकते हैं कि किस तरह से सदिया से यहां पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से मानसिकता दर्शाने की कोशिश की जा रही है और खासकर एक कम्युनिटी को लेकर किस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाती है, यह सवाल चिन्ह है। मगर वहीं पर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से यह सवाल आज किया जाता है तो उन्होंने सख्त बोल दिया कि किस तरह से ये भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का है और हरा रंग जो है वो मुस्लिम्स का है, गाय जो है वो हिंदुओं की है और इसके साथ साथ बैल जो है वो मुस्लिम्स का है, इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। मैं ये कोट कर बता रहा हूं और मैं ये बार बार कह रहा हूं ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के बयान है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आइए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा सबसे पहले वो सुनते हैं। देखिए मैं तो ये कहूंगा देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और है जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को बंद कर खत्म करना है। अगर आप देश में रहकर इस आग को खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप क्या हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस देश को बचना है तो इसमें वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सबने भाईचारे में रहना है। अब फिल्म का भी देखिए हाल, शाहरुख खान ने फिल्म बना ली, उसमें उसने कपड़े कोई रंग के पहन लिए, उस पर शोर हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि सबज जो है वो मुसलमानों का है और जो दूसरा रंग है वो हिंदुओं का, ये क्या है? तो आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और उसी पर आज अगर हम बात करेंगे हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी हैं। राकेश बजरंगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये किस तरह की मानसिकता है, हालांकि आपने सॉन्ग वो सुना किस तरह से उस सॉन्ग के अंदर जो है वो बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में जाकर इस तरह से बयानबाजी करते हैं कि भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का है और इसके साथ साथ हरा रंग जो है वो मुस्लिम का है और गाय जो है वो हिंदू की है, बैल जो है वो मुस्लिम का, इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है। पूरे देश के अंदर पठान का विरोध हुआ है, साधु संत समाज जो है वो सड़कों के ऊपर है क्योंकि भगवा रंग को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी जो है वो गाना जो है वो फरमाया गया है। भगवा रंग पहनकर जो दीपिका पादुकोण उसके अंदर है और उसमें गाने के बोल जो है कि बेशरम रंग, भगवा को बेशरम कहा गया जिसके ऊपर आपत्ति जो है पूरे देश के अंदर, साधु संत समाज हो चाहे हिंदू समाज हो सभी ने इसके ऊपर आपत्ति जताई, इसके ऊपर कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी बोले हैं। तो जब ये रंग जो है हमारा धार्मिक रंग है, हमने सूर्य से लिया हुआ ये रंग है,
हमारे सूर्यवंशियों की निशानी है और हमारे जितने बड़े राजे महाराजे हुए सभी की पताका जो है वो भगवा रही है। हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर जो है वो रंग भगवा रंग की पताका जो है फहराई जाती है, मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा जो है वो लहराया जाता है। तो हमारा देखिए धार्मिक आस्था का प्रश्न है, हमारी आस्था के ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब को कल मैं उनकी स्टेटमेंट वो देख रहा था कि वो कह रहे थे कि हरा रंग मुस्लिम का हो गया, भगवा हिंदुओं का हो गया। उन्होंने कहीं ना कहीं लगा कि फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, वो पठान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने गाय माता के ऊपर भी कहा, अरे बैल जो बैल कहते हैं वो भी हमारे गोवंश का है, हम उसको भी पूछते हैं और गाय माता को भी पूछते हैं क्योंकि वो गोवंश का है। बैल हमारा जो है वो नंदी जिसको हम भगवान शिव की सवारी मानते हैं। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट देखे उन्होंने भी हिंदुओं की आस्था का प्रहार किया। हिंदुओं की आस्था पर बार बार प्रहार करना, ऐसा क्या मानसिकता जो है वो इस समय देश के अंदर चलती हुई नजर आ रही है? देखिए हमेशा इनको भाईचारा तभी नजर आता है जब हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार होता है तो इनको भाईचारा नजर आता है। इसके अलावा इनको कभी भाईचारा नजर नहीं आता है, इनको केवल उसी समय भाईचारा नजर आता है जब हिंदू की आस्था के ऊपर प्रहार होता है और हिंदू संगठित होता है, हिंदू इकट्ठा होता है और इसकी प्रतिक्रिया देने लगता है तो इनको भाईचारा नजर आ जाता है। अरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा भजन गाकर हिंदुओं को जो है बहलाने फुसलाने का काम करते रहे हैं। इस प्रकार की अलग स्टेटमेंट देखे सिर्फ हिंदुओं को जो है वो बहलाने फुसलाने, लेकिन अब हिंदू जो है वो जान चुका है इनकी सारी राजनीति जो है, जो जोहरी राजनीति ये खेलते हैं ना वो हिंदू सब समझ चुका है। अब हिंदू संगठित हो रहा है, बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है कि हिंदू किस प्रकार से इनकी औकात जो है इनको दिखाने का काम करेगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जनाधार जो घट रहा है इसकी इनकी पार्टी जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू, जम्मू के अंदर तो खत्म हो गई लगभग, तो कश्मीर के अंदर भी खत्म हो रही है केवल उसको बचाने के लिए और अपने लोगों को, कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए। आपको जब मीडिया द्वारा जो सवाल किया गया क्या लगता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए जो इस तरह का जवाब दिया गया है? देखिए बिल्कुल सस्ती टीआरपी पाने के लिए और कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हमेशा जम्मू वर्सेस कश्मीर रहा है तो जम्मू के लोगों को और देश के हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम ये हमेशा करते रहे हैं, उनकी आस्था के ऊपर हमेशा प्रहार करते रहे। इन्होंने कभी भी उस समय उंगली नहीं उठाई, उस समय नहीं बोले जब हिंदू प्रताड़ित होता है हिंदू के ऊपर, जो हिंदू टारगेट की लिंगता हमारे इनकी जुबान नहीं खुलती, ये उसके ऊपर कोई नहीं बोलते। ये केवल उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जो चाइना का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ये कभी भी देश हित की बात नहीं करते और फिर बोलते हैं कि अगर मैं कुछ बयानबाजी करूंगा तो पूरे देश के अंदर लोग जो हैं वो मुझे देशद्रोही करेंगे। उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले भी हमने इनका विरोध किया, इन्होंने सेना के ऊपर टिप्पणी की 1996 का मुद्दा लेके टिप्पणी, आप ये पठान के ऊपर आ गए, पठान को डिफेंड कर रहे हैं। अरे पठान के लिए हम पहले कह चुके हैं पूरा देश बायकॉट करेगा, इस पठान को जितनी महंगी ये है इनके घर बिकवा देंगे हम, इनकी प्रॉपर्टियां बिकवा देंगे हम, और सेंसर बोर्ड जो इसको पास कर रहा है हम ये भी दबाव डालेंगे कि सेंसर बोर्ड को बैठाया जाए, नया सेंसर बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि सेंसर बोर्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिका हुआ है, क्योंकि वो नहीं देखता कि इसके ऊपर किसी के धर्म के ऊपर कोई आघात किया गया है। ऐसी फिल्में अगर बार बार हिंदुओं को लेकर, अगर ऐसी फिल्में हमारी आस्था को लेकर जिसमें हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचती है उनको लेकर अगर बार बार ऐसी फिल्में जो है वो यहाँ पर आएंगी सामने आएंगी तो हिंदू इसकी प्रतिक्रिया देगा और आने वाले समय में इसकी गंभीर प्रतिक्रिया भी हिंदू देगा। इसलिए सावधान हो जाइए और सरकार से भी हमारी वो मांग है कि इनके ऊपर सख्त जो है वो कार्रवाई करने का काम करे और इनके ऊपर नकेल कसने का काम करे। हिंदुओं के ऊपर ना कोई टिप्पणी, और जब हम किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाते तो ये लोग कौन होते हैं जो हमारी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना और हमारी आस्था को प्रताड़ित करना, हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि राकेश जी का सख्त संदेश है कि ये हिंदुओं पर प्रहार जो है वो उस पर बंद होना चाहिए और जिस तरह से प्रताड़ित करने की बात की जाती है और लगातार ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है उस पर जो है वो सरकार को सोच विचार करना होगा और सेंसर बोर्ड जो है उसकी नई टीम का गठन करना होगा, इस तरह का बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी सवाल चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि धोरी राजनीति और मापदंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं।